लकड़ी की काठी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना सीखेंगे। तो इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना हो तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए, हम आपको बहुत ही इजी स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज, अगर आपको स्टेटस क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत हो रही है या आपसे स्टेटस नहीं बन रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपके फोटो का स्टेटस क्रिएट करके भेज दूंगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास काइंड मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। काइंड मास्टर ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। सिंपली हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और 900 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज, हम मीडिया पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और ब्लैक वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज, इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को 10 या 15 सेकंड तक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइज, हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना हो। जैसे इस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है, इसको सिलेक्ट किया, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से एडजस्ट करके सेट कर लेंगे, इतना इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद गाइस, इस वाले लेयर को पूरे वीडियो तक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइस, हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, कलर एडजस्टमेंट में क्लिक करेंगे, इसके कलर को हल्का बढ़ा लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर गाइस, हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसमें ब्लैक स्क्रीन का वीडियो को ऐड कर देंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किया, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइस, हम फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसमें और एक ब्लैक स्क्रीन का वीडियो को ऐड कर देंगे। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किया, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद गाइस, हम फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और इसमें एक ब्लैक स्क्रीन का टेम्पलेट वीडियो ऐड कर देंगे। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किया, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रीन पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो फाइनली गाइस, हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो गाइज, हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लास्ट में आ जाएंगे और जो भी मटेरियल हमारे बैकग्राउंड से बाहर है, इसको काट के हटा लेंगे। तो गाइज, अगर इसमें हमें सॉन्ग ऐड करना है, फिर हम ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा गाइज, अगर इसे हमें सेव करना है, फिर हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।